What's up everyone, welcome back to the channel. अब हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं सब्सिडरी बुक्स के बारे में. ऑल्दो हम लोग कैश बुक को डिस्कस कर चुके हैं, बट कुछ अदर बुक्स होती हैं जिनको हमें आज डिस्कस करना है. तो सब्सिडरी बुक्स में वी विल बी टॉकिंग अबाउट परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न एंड जनरल प्रॉपर. ये पांच बुक्स हैं जिन पे हम डिस्कशन करेंगे और हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा. तो चलो डिस्कस करते हैं क्या होती हैं सब्सिडरी बुक्स और क्या प्रोसीजर है इनको बनाने का. लेट्स बिगिन. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सब्सिडरी बुक्स के बारे में. सब्सिडरी बुक्स. अब सब्सिडरी बुक्स में हम लोगों ने एक बुक ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश बुक. तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम लोग ट्रांजैक्शंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो दो तरीके की हो सकती हैं. कुछ होती हैं कैश ट्रांजेक्शन्स और कुछ होती हैं नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स. अब कैश कौन सी हो गई जो आपने देखी ली कि जिसमें इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश होता है, और नॉन कैश कौन सी होती है जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं, डिस्काउंट की ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं, बैड डेट्स हो सकती हैं, प्री पेड एक्सपेंसेज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज. देर आर अ लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो कि हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कैश है. तो उन सभी ट्रांजेक्शन्स को जिनको हम लोगों ने यहां कैश की ट्रांजेक्शन्स ना मानते हुए कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा, वो सभी ट्रांजेक्शन्स अदर सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड होती हैं. मतलब आपने जो कैश की ट्रांजेक्शन्स थी कि कैश और बैंक का इनफ्लो या आउटफ्लो है, वो आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया. ऑलरेडी मैंने आपको कैश बुक सिखा दी. अब अगर नॉन कैश की बात करें तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि क्रेडिट परचेज. अगर मैंने उधार में सामान खरीदा तो कहाँ लिखूंगा, अगर मैंने उधार में सामान बेचा तो कहाँ लिखूंगा, अगर मेरे पास कुछ सेल्स रिटर्न आया उसको कहाँ लिखेंगे, हमने कुछ वापस करा परचेज रिटर्न तो कहाँ लिखेंगे, और फिर अदर ट्रांजेक्शन्स जैसे डिस्काउंट की ट्रांजेक्शन्स हैं, बैड डेट्स हैं, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल ट्रांजेक्शन्स हैं, प्री पेड आउटस्टैंडिंग, ये सभी ट्रांजेक्शन्स हैं तो कहाँ लिखेंगे. उन सभी ट्रांजेक्शन्स के लिए अलग अलग पाँच बुक्स हैं जो हमें बनानी सीखनी है इस चैप्टर में. क्रेडिट परचेज के लिए जो बुक बनाते हैं उसको हम बोलते हैं परचेज बुक. क्रेडिट सेल्स के लिए जो बुक बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे, सेल्स बुक. सेल्स रिटर्न के लिए जो बुक बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न बुक. कई बार हम इनको बेसिकली रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड. परचेज रिटर्न को हम लोग क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न बुक या फिर रिटर्न आउटवर्ड बुक. और जो अदर ट्रांजेक्शन्स के लिए बुक बनाओगे उसको क्या बोलोगे, जर्नल प्रॉपर. तो ये चैप्टर हमारा पांच पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है. पहले में परचेज बुक, फिर सेल बुक, फिर सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न और फिर जर्नल प्रॉपर. ये पांच बुक्स आपको बनानी सीखनी है. हम लोग आज सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं परचेज बुक के बारे में. तो ये चीज नोट डाउन कर लो जल्दी से, और स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो. और अब हेडिंग डालेंगे सब लोग परचेज बुक. परचेज बुक क्या होता है, कैसे बनता है, वो आप लोग सीखने वाले हो आज सबसे पहले. तो हम लोग हेडिंग डालेंगे परचेज बुक. परचेज बुक बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है. क्या रूल्स हैं, रूल नंबर वन, ओनली क्रेडिट परचेजेस विल बी रिकॉर्डेड. ध्यान रखेंगे सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज, ठीक है, दैट टू परचेज ऑफ गुड्स. अभी लिखवाता हूं इसका. नंबर टू, ओनली दोज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड विच आर रिलेटेड टू गुड्स. गुड्स के रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होंगी. फॉर एग्जाम्पल, मैं
फर्नीचर का काम करता हूँ, तो मेरे लिए गुड्स क्या है? फर्नीचर। तो अगर वहाँ पे परचेज ऑफ गारमेंट्स आ गया, वो मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा। सिर्फ वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है। नंबर वन, वो क्रेडिट होनी चाहिए। क्रेडिट का मतलब क्या है? वो उधार वाली ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। दूसरी बात, वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है जो गुड्स से रिलेटेड है, जिसमें मैं डील करता हूँ। गुड्स का मतलब इन विच माई बिजनेस डील्स, इस बात का ध्यान रखना है, जिसमें हमारा बिजनेस डील करता है। नंबर थ्री, इसके बाद ट्रेड डिस्काउंट विल बी डिडक्टेड। ट्रेड डिस्काउंट को हम माइनस करेंगे एंड जीएसटी विल बी एडेड। ये बात ध्यान रखनी है कि डिस्काउंट हम लोग माइनस कर देते हैं और जीएसटी ऐड कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? सपोज मैंने ये मार्कर खरीदा, ये मार्कर 10 रुपीज़ का है और 2 रुपीज़ का इस पर टैक्स था, तो जो सेलर है वो मुझे 10 का नहीं देगा, ये वो मुझे 10+2 12 रुपीज़ का देगा, यानी वो मेरे से जीएसटी भी रिकवर करेगा। बात समझ रहे हो? आप कुछ भी परचेज करते हो तो आपसे जीएसटी भी लिया जाता है। तो जब हमने सामान खरीदा है तो जीएसटी को बिल में ऐड करना चाहिए और जो डिस्काउंट मिला है वो माइनस करना चाहिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि डिस्काउंट पहले माइनस होगा फिर जीएसटी ऐड होगा। अगर आपने पहले ऐड करके फिर डिस्काउंट दे दिया तो गलत हो जाएगा। पहले डिस्काउंट माइनस करो फिर जीएसटी ऐड करो। पहला रूल, सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी। दूसरा, जिस चीज़ में आप डील करते हो बस वो रिकॉर्ड होगा, जिसमें आप डील नहीं करते वो नहीं। तीसरा, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दो, जीएसटी ऐड कर दो। नंबर फोर, इफ देयर इज एनी एक्सपेंस लाइक फ्रेट, कैरेज एटसेट्रा, इट विल बी जर्नलाइज्ड। अगर कोई फ्रेट या कैरेज वगैरह है तो उसकी आप जर्नल एंट्री करके छोड़ देना। पहले जो ओल्ड एडिशंस हैं, जो उसमें ट्रीटमेंट करा जा रहा था, वहां पे फ्रेट भी ऐड करा जा रहा था एज ए एक्सपेंस। आज भी कुछ बुक्स में एक्सपेंसेस को ऐड करा जाता है, बट आप लोग उसकी जर्नल करके छोड़ दो, दैट विल बी अ साउंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अगर आपके स्कूल्स में आपको ऐड करना सिखाया गया तो आप ऐड भी कर सकते हो, ऑल्दो जर्नल एंट्री विल ऑल्सो बी अ वेरी गुड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे नंबर 5 में, द फॉर्मैट ऑफ परचेज रिटर्न, परचेजेस अकाउंट, सॉरी, फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक। परचेज बुक का क्या फॉर्मेट होता है? तो परचेज बुक का फॉर्मेट बनाने के लिए आप लोग बिल्कुल हेडिंग डाल के शुरू से सबसे पहला कॉलम हमारे पास होता है डेट का। नेक्स्ट कॉलम जो कि आपको बड़ा कॉलम बनाना है वो होगा पर्टिकुलर्स। एक कॉलम बनेगा अगला इनवॉइस नंबर। इनवॉइस, इनवॉइस का मतलब होता है बिल नंबर। उसके बाद एक छोटा सा कॉलम एज फॉर एज ऑलवेज लेजर फोलियो, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, LF। उसके बाद एक बड़ा कॉलम बनेगा डिटेल्स। उसके बाद एक कॉलम बनाएंगे परचेजेस का। फिर 3 कॉलम बनाएंगे टैक्स के और लास्ट कॉलम बनाएंगे हम टोटल का। टैक्सेस कौन से हैं आपको ध्यान रखना है? परचेजेस के साथ इनपुट टैक्स आता है, तो मैं क्या लिखूंगा? इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST और टोटल। हमारे पास डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल, परचेजेस, इनपुट CGST, SGST, IGST और टोटल। तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कॉलम्स आपको इसके अंदर बना के चलने हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आपको क्वेश्चंस की हेल्प से समझाता हूँ कि ये क्या करना है। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैंने एक क्वेश्चन कंसीडर करा है जिसमें लिखा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन परचेज बुक ऑफ चांद इलेक्ट्रॉनिक्स दिल्ली। चांद इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक में हमें परचेज बुक बनानी है। CGST, SGST 6% लगाना है। तो चलो, जब आप इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करोगे तो आप सबसे पहले तो पूरा आपका फॉर्मेट प्रिपेयर होना चाहिए। 10 कॉलम्स आपको पता होने चाहिए, 10 कॉलम्स आपके प्रिपेयर्ड होने चाहिए। सबसे पहले डेट, डेट के बाद आप बनाओगे एक पर्टिकुलर्स का कॉलम, पर्टिकुलर्स के बाद इनवॉइस नंबर,
उसके बाद LF, उसके बाद आप बनाओगे एक डिटेल्स का कॉलम। मैं मार्कर चेंज कर लूँ एक सेकेंड। डिटेल्स के बाद आप बनाओगे एक परचेजेस का कॉलम। परचेजेस के बाद टैक्सेस के तीन कॉलम और लास्ट टोटल। तो यहां पे क्या लिखूंगा, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST और ये हो जाता है हमारे पास टोटल। तो टोटल 10 कॉलम्स आपके पास होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 कॉलम्स हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, इसके बाद क्या होगा हमारे पास। अब इस सिनेरियो में हमारे पास इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन है वो क्या लिखा है, देखो मैंने क्या बोला, बेसिक रूल्स को ध्यान रखना। पहला रूल आपको क्या ध्यान रखना है कि जो ट्रांजैक्शन है वो क्रेडिट की होनी चाहिए, दूसरा गुड्स की होनी चाहिए। गुड्स का मतलब जिसमें हम डील करते हैं। तो आप हमेशा पहले ये चेक करो कि इसका किस चीज़ का काम है। देखो साफ साफ लिखा हुआ है चांद इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इसका किस चीज़ का काम है, इलेक्ट्रिसिटी का काम है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है। तो हम लोग यहाँ पे गुड्स में क्या कंसिडर करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक गुड्स, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड गुड्स होने चाहिए। सबसे पहला ध्यान देते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम लखन इलेक्ट्रॉनिक्स। चलो एक चीज तो मैच होती है, और इनवॉइस नंबर है 412, क्वेश्चन साइलेंट है, नाम लिखा हुआ है, नेम दिया है और क्वेश्चन साइलेंट है। अब आपको पता है जब भी नेम हो तो वो कैसी ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट डालनी है। हम लोग इसको अप्रैल कंसिडर कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4। तो हम लिखेंगे अप्रैल 1st, किससे लिया ये, लखन इलेक्ट्रॉनिक्स। इनवॉइस नंबर कितना, 412। LF बिल्कुल खाली छोड़ना है। अब आपको क्या करना है, कितना, 10 ट्यूबलाइट्स फुल फॉर्म यूज करना एट द रेट ऑफ 5000 ईच। 10 ट्यूबलाइट्स और 5000 की ईच है तो 50,000 रुपीज की ट्यूबलाइट्स हो गई। 50 बल्ब्स एट द रेट ऑफ 20 ईच। 50 बल्ब्स हैं और 20 का एक है तो बेसिकली कितना हो गया हमारे पास, ये 1000 रुपीज। तो टोटल हमारे पास ये सामान हमने इनसे लिया है, 50 बल्ब्स और 20 रुपीज का एक है, ठीक हुआ। तो अब हमारे पास ये पहला वाला ट्रांजेक्शन हो जाता है, रिकॉर्ड करा मैंने। क्यों रिकॉर्ड करा, क्योंकि क्रेडिट भी है और इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। इसके बाद आपको इसका जस्ट टोटल करना है, 51,000। सबसे पहले क्या माइनस करोगे, ट्रेड डिस्काउंट। मैंने आपको बताया था कि पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना फिर टैक्स ऐड करना। ट्रेड डिस्काउंट है हमारे पास 20% का ट्रेड डिस्काउंट है। तो 51,000 रुपीज पे हमें अगर 20% का टैक्स निकालना हो, आप लोग खुद करना, मैं तो बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हो चुका हूँ कैलकुलेटर का। 10200, ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, वैल्यू बचेगी 40,800 हो गया। अब इसमें आपको GST ऐड करना है, प्लस CGST प्लस SGST, कितना कितना, 6% आप ऐड कर दो। 40,800 पे 6% बैठता है 2448। इसका जो टोटल आएगा 2448 40,800, ये आएगा 45696। ये हमारा टोटल एक तरीके का अमाउंट आ जाता है। अब आप ध्यान देखो, ये तो बेसिकली टैक्स है, परचेजेस तो यही है, परचेज का अमाउंट कितना है ये, इसको परचेजेस में लिखो यहाँ पे 40800। CGST और SGST कितना कितना है, 2448 2448। IGST होगा नहीं। उसके बाद टोटल में 45696। इस तरीके से आपको ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, बात समझे क्या, ऐसे आपको काम करना है। अब देखो अगला, बॉट फ्रॉम फैशन फर्नीचर। लो जी इस बार आ गया फर्नीचर। मैं किस में डील करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो ये मेरे लिए गुड्स नहीं हुआ, मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरे लिए गुड्स नहीं है। इसके बाद बॉट फ्रॉम राहुल इलेक्ट्रिक कंपनी। अब ये बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी है और हम डील भी इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं, तो कुछ बच्चे लिख आएंगे, लेकिन रुको, यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है कैश। अगर ये एक कैश ट्रांजेक्शन है बच्चों, तो फिर तो ये कैश बुक में जाएगा, तो हम इसको यहाँ पे रिकॉर्ड
नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कैश वाली ट्रांजेक्शन तो कैश बुक में जाएंगी, हम यहां थोड़ी ना रिकॉर्ड करेंगे, इनको हम यहां पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लास्ट कौन सा आता है? परचेज फ्रॉम सोना इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर से सोना इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ लिया है और फिर से क्वेश्चन साइलेंट है, बस नेम गिवन है। तो यानी क्रेडिट वाला ट्रांजेक्शन हुआ, करो रिकॉर्ड। क्या लिखूंगा मैं? अप्रैल 4, नेम लिखूंगा सोना इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिकली इसको अंडरलाइन कर देना, इसको भी। इनवॉइस नंबर क्या है? 1506। क्या लिया है इससे? 10 सीलिंग फैंस लिए हैं और 3000 का एक है, एट 3000 ईच। तो बेसिकली 30,000 रुपीज के फैंस हो गए। इसको आप यहां लाइन कर देना, 30,000 रुपीज के फैंस हो गए, 3000 का एक है और 10 लिए हैं। ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो लेस करो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट। 3000 का 10% विल बी 300, ये हटा दो तो वैल्यू कितनी बचेगी? 30,000 का 10% विल बी 3000, ये हटाऊंगा तो 27,000 रुपीज के गुड्स आ जाएंगे। अब 27,000 रुपीज प्लस CGST प्लस SGST, CGST और SGST इसमें ऐड करना है, तो CGST और SGST 27,000 प्लस 6%, 1620। तो 1620 CGST और 1620 SGST ऐड करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी 30240। आप लोग रिकॉर्ड कर दोगे। अब ये 30240 जो आपने रिकॉर्ड करा, इसको भी बाइफरकेट करना है। तो फिर से बाइफरकेट कैसे करूंगा? परचेजेस कितनी है मेरी? ओनली ये 27,000, ये तो टैक्स है, तो 1620 टैक्स में CGST SGST और लास्ट में टोटल 30240। ये हमने रिकॉर्ड करना है इस तरीके से। लास्ट में आप लोगों को क्या करना है? लास्ट में आपको बस टोटल करना है। लास्ट में आपको क्या करना है? टोटल। यहां से कुछ बुक्स में परचेजेस अकाउंट डेबिट लिखा हुआ है, तो आप परचेजेस अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हो, क्योंकि यहां से जो अमाउंट है वो परचेज अकाउंट में जाता है डायरेक्टली। तो टोटल अगर आप करोगे तो एक ये लेना है और एक ये लेना है, तो 45696 प्लस 30240, दिस इज 75936, ये ले लिया हमने। फिर इन दोनों का टोटल करके यहाँ लिखना है, बेसिकली सब टोटल कर देना है, इसका टोटल यहाँ, इसका टोटल यहाँ, इसका यहाँ और इसका यहाँ, टोटल करके ये आपका पूरा परचेज बुक बन जाता है। एज सिंपल एज दैट। परचेज बुक में बेसिक दो रूल्स ध्यान रखने हैं, कौन से? क्रेडिट ट्रांजेक्शन होनी चाहिए और गुड्स पे बेस्ड होनी चाहिए। तो होपफुली आप लोगों को परचेज बुक समझ में आया होगा। आप इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे सेल्स बुक बनता है, और हम लोग फिर चैप्टर के मिड में पहुंच जाएंगे। परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न एक ही क्लास में हो जाएगा, तो बेसिकली 3 से 4 पार्ट्स का चैप्टर है और फिर हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो समझ में आ जानी चाहिए, अगर नहीं समझ में आएगा, कुछ डाउट्स होंगे तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।